दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। ये देख लीजिए, ओ फोटो में मेरी वाइफ भी है। कई दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था आप लोगों के लिए। मैं कहीं जा नहीं पा रहा था क्योंकि बैक में थोड़ा सर्वाइकल इशू आ गया था, तो मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रहा था। खैर, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सुबह 4:30 बजे बंदा उठ के घर क्या रहा है। खैर, मैं आप लोग को जल्द ही बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो वीडियो में बने रहो। खैर, मैं अभी आप लोग को अपने रूम की हालत दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद फटाफट सारी चीज़ें इधर ऐसे बिखरी पड़ी हुई हैं। वो भाई साहब क्या रूम बना रखा है मैंने, देखो सब कुछ ऐसे भरा पड़ा हुआ है भाई। ये देखो सारे बेड वगैरह इस तरह से, और ये ग्लव्स तो मैंने ले लिया है फिलहाल। चलो कोई बात नहीं, देखो चलो भाई, लेट हो रहा है फटाफट, तो लगा लिया है, थोड़ा सा मजा आएगा। खुशबू तो अच्छा आता है ना बदन से, फिर और लोग को भी खुशबू अच्छा लगेगा, इसीलिए चलो अब फिर चलते हैं, सीधा निकलते हैं। सारा पैक कर लिया है भाई, अब हम लोग घर से अभी निकल चुके हैं। निकलने में थोड़ा सा लेट हो गया है, तो पहले फटाफट हम लोग निकलते हैं। क्यों भाई अंगूर, चलो फिर मिलते हैं रास्ते में, पूरी इन्फॉर्मेशन देते जाता हूँ मैं, ठीक है? चलो। तो भाई ये लोग आ चुके हैं, हम लोग बाईपास। देखो सुबह सुबह ट्रक जा रही है, लोग गाड़ी से जा रहे हैं, मतलब पूरा चहल पहल है। ये रास्ता तो यहाँ से बंद है और हम लोग को जाना है उस साइड। उधर कैसे जाएंगे ये हम लोग को देखना पड़ेगा। इधर ही सर्विस लाइन से ही निकाल लिया जाए क्या? चलो फिर। तो भाई ये एकदम ठीक सेवा कॉलेज के सामने अभी हम लोग हैं, यहाँ पर चाय वगैरह पी रहे हैं। और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे, पहले आज से 5 साल बाद मैं यहाँ पर इस एरिया में आ रहा हूँ, 2016 के बाद से। और ये एरिया काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, काफ़ी देख रहे हो पीछे इतने गोदाम बन गए हैं, उधर भी गोदाम बन गए हैं, और यहाँ पर इतने सारे शॉप्स वगैरह भी खुल गए हैं, पहले कुछ नहीं था। और ये देखो यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ शेपा कॉलेज है, सीधा ठीक शेपा कॉलेज के सामने, रोड भी ज़बरदस्त है। ओ भाई साहब, तो भाई गर्मा गर्म चाय की चुस्की मॉर्निंग में ली जाए, क्यों भाई? टणिंग टणिंग। ठीक है सर, तो भाई अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, आगे चलते हैं और आगे आप लोग को पूरा रास्ते में दिखाते हैं और क्या क्या चीजें हैं। ओए चलो फिर दोस्तों, मिलते हैं रास्ते में, आके बाकी जो बातें हैं वो रास्ते में करते हैं। ये अलग ही कॉन्सेप्ट लगा दिया है, ब्रेड को काट के अलग ही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी
पर लेकिन बढ़िया है कुछ भी। गाइस एनी गेसेस मैं इस समय कहाँ पर हूँ? नज़ारा और मौसम वेदर देख के तो लग रहा है मैं कहीं घाट के किनारे हूँ। तो ये कौन सा घाट है, ये कहाँ का घाट है, ये मैं आपको बताता हूँ। फ़िलहाल ये आप देख लो एनी गेस कि मैं इस समय कहाँ हूँ, नहीं बता सकते ना। तो गाइस ये मैं हूँ अरैल घाट पर। अरैल घाट शायद नहीं पता होगा आप लोग को, ये मैं हूँ प्रयागराज में और मेरे पीछे है ये यमुना नदी और आगे जाके जो है संगम है। वैसे नदी का लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, आप लोग देख रहे होंगे। इधर मेरे पीछे देखो, लोग भी देखो ऊपर चढ़ चढ़ के नहा रहे हैं, वहाँ से कूद रहे हैं, बढ़िया मस्त मज़े ले रहे हैं भाई। तो आज सुबह सुबह प्लान बन गया था इलाहाबाद आने का, सॉरी प्रयागराज आने का, और मैंने कहा थोड़ा काफ़ी दिन हो गया था लॉन्ग ड्राइव पे नहीं गया था, तो लॉन्ग राइड करने के लिए मैंने सोचा आज इलाहाबाद चलते हैं, प्रयागराज चलते हैं और वहाँ पे कुछ वाटर लेवल देखते हैं गंगा जी का। और यहाँ मैं आ गया हूँ यमुना नदी, और फिर उसके बाद अभी मैं आपको संगम पे भी चलेंगे थोड़ी देर बाद। तो यहाँ का नज़ारा तो काफ़ी अच्छा है, घाट बहुत प्यारा है। ये देखो मेरे पीछे घाट दिखाता हूँ, देखो ये शहर से काफ़ी दूर अरैल घाट, काफ़ी कम लोग हैं लेकिन सब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। सब देखो ज़बरदस्त नाव भी लगी हुई है, मेरे ख्याल से नाव वाटर लेवल की वजह से नहीं चल रही है। और ये देखिए कितना हरा भरा है एरिया, ओहो हो भाई, लोग भी देखो इतना शांति से इंजॉय कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। थोड़ा बहुत पूजा पाठ भी होती है यहाँ पर, पंडित लोग भी बैठे हैं। ओ, सही बात है भाई, हाँ हाँ वहाँ तक पक्का है। अच्छा वो मैं बच्ची को देखा तो फिर मुझे लगा नहीं कच्चा है कोई, मतलब वहाँ तक पक्का है। हाँ वो तो बड़े आराम से चली गई, मुझे लगा यहाँ से गहरा होगा। तो वो वही संगम है ना वहाँ पर, हाँ हाँ वही संगम है। और जाना किधर से होगा, इधर से संगम जाएंगे तो यहाँ नाव से जाएंगे आप? नहीं ऐसे ही बाइक से, बाइक से पुल से। अच्छा वो पुल से जाना पड़ेगा, ओहो उधर ही से तो आया मैं, चल कोई रास्ता नहीं, इधर से रास्ता नहीं है। पानी लेवल बढ़ गया है काफ़ी, इसी पुल से ही जाना पड़ेगा, इसी पुल से ही जाना पड़ेगा।
जैसे उतरेंगे तो दाहिने रोड गया है। हाँ फिर उधर से घूम कर आना पड़ेगा, वहाँ पर मुझे लग रहा है। चलिए संगम भी घूम लेंगे अभी थोड़ी देर में। मेन संगम उधर है, संगम ये भी वहाँ कहा जाता है। हाँ हाँ मेन संगम वही गंगा जी उधर से आई। अच्छा गंगा जी उधर से आई, ये तो बता रहे हैं ये यमुना नदी है। ये यमुना जी, ये यमुना नदी है। गंगा जी, वो गंगा जी है। तो ये गंगा जी यमुना जी आगे निकल गई है, ये दोनों मिलके चली गई है, सीधे जी गंगा जी बन गई है, यमुना जी खत्म हो जाती है। अच्छा उधर नहीं जा रही है नदी, इधर जा रही है। अच्छा मुझे लगा ऐसे जाएगी उधर, यहाँ से यमुना जी का नाम खत्म हो जाता है, यहाँ से यमुना जी खत्म हो जाती है, गंगा जी होती है यहाँ से, गंगा जी सीधा नहीं। अच्छा उधर से वो गंगा जी आ रही है और ये यमुना जी, वो धारा तेज है, उनको उनको महत्व दिया जाता है। ये तो ये यमुना जी कहाँ से आती है? हिमालय से। सारी हिमालय से? नहीं नहीं, मतलब इधर कहाँ से? इधर इधर दिल्ली हरियाणा होते हुए आती है। अच्छा चलिए बढ़िया है।